तो दोस्तों अभी हमारे सामने 2002 के मॉडल की गाड़ी आ चुकी है और अभी तो दोस्तों अभी हमारे सामने 2009 के मॉडल की कल्टस गाड़ी आ चुकी है और तो दोस्तों अभी हमारे सामने 2002 के मॉडल की गाड़ी आ चुकी है और अभी आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा दूंगा, मैंने गाड़ी कैसे रखी हुई है। तो अगर हम गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो आप गाड़ी के फ्रंट की कंडीशन देख सकते हैं और फ्रंट की लाइट्स और ग्रिल की बात करें तो भाई आप गाड़ी की लाइट और ग्रिल देख सकते हैं और कंडीशन में हमें गाड़ी दिखने को मिल जाती है। तो अभी आपको गाड़ी की साइड की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। टायरों की बात करूँ तो आप गाड़ी के टायर की कंडीशन वगैरह देख लें और अगर हम गाड़ी के बैक लुक की बात करूँ तो आप गाड़ी की बैक की भी कंडीशन देख सकते हैं। बैक से भी हमें गाड़ी बिल्कुल ओके दिखने को मिल जाती है। अभी आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन दिखा देता हूँ, अंदर से भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन करके रखी हुई है। तो डोरों की बात करूँ तो आप गाड़ी के डोर देख सकते हैं, डोर से भी हमें गाड़ी बिल्कुल ओके दिखने को मिल जाती है माशाल्लाह से भाई, गाड़ी के डोर हमें ओके दिखने को मिल जाते हैं। और अभी आपको गाड़ी का इंटीरियर और डैशबोर्ड वगैरह दिखा देता हूँ। इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देखें, इंटीरियर डैशबोर्ड से भी हमें गाड़ी बिल्कुल ओके देखने को मिल जाती है। और अगर हम गाड़ी की सीटों की बात करें तो आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख सकते हैं, सीट से भी हमें गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में दिखने को मिल जाती है भाई, सीट्स वगैरह हमें ओके दिखने को मिल रही है माशाल्लाह से। तो अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी है भाई से पिक करवा दूँगा। गाड़ी के पीछे की सीट दिखा दूँ मैं आपको, तो अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी है भाई से कांटेक्ट करवा देता हूँ। तो अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूँ मैं, आप गाड़ी का ये इंजन रूम देखिए। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कांटेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। सलाम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई जान, कौन सा मॉडल है गाड़ी है? 2002 का मॉडल है। 2002 का ये मॉडल है। डॉक्यूमेंट सिंपल सी टैक्स से क्लियर है जी? सब एसी वर्किंग में जी, सब वर्किंग। ओनर कितने गाड़ी के? ओनर ये सेकंड ओनर है। ठीक है, टचअप या शावर है? शावर है। शावर हुई है बात से जी। डिमांड क्या कर रहे हैं गाड़ी की? डिमांड 5.5 लाख। 5.5 कमी पीछे अगर कोई बंदा आता है इंटरेस्ट रेट कर लेंगे जी जी, उससे तो हो जाएगी। अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 03161061989। 03161 जी 1061989। ठीक हो गया। लोकेशन कहाँ की गाड़ी कहाँ मिल सकती है? ये आपको गुलशन में मिल जाएगी। ठीक हुआ, थैंक यू सो मच। मैंने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसील वगैरह बता दी, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी, अगर आपको गाड़ी पसंद आए तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों अभी हमारे सामने 2009 के मॉडल की कल्टस गाड़ी आ चुकी है और अभी आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ। अगर हम गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो आगे की लाइट्स और ग्रिल से तो हमें गाड़ी बिल्कुल ओके दिखने को मिल जाती है। अभी आपको गाड़ी के साइड से भी दिखा देता हूँ साइड की कंडीशन। अभी आपको गाड़ी के टायर दिखा देता हूँ। टायरों की बात करें तो टायर से तो हमें गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में ओके दिखने को मिल जाते हैं। और अभी आपको गाड़ी के पीछे से भी गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ। आप गाड़ी की बैक की कंडीशन देख सकते हैं, बैक से भी हमें गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में दिखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन दिखा देता हूँ, अंदर से भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन करके रखी हुई है। तो अगर हम गाड़ी के टायर, अगर हम गाड़ी के डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के डोर देख लें, पिलर वगैरह देख सकते हैं आप लोग। और इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देख सकते हैं, इंटीरियर डैशबोर्ड से भी हमें गाड़ी बिल्कुल ओके दिखने को मिल जाती है। और अगर हम गाड़ी की सीटों की बात करें तो आप गाड़ी की सीट्स भी देख सकते हैं, सीट से भी हमें गाड़ी बिल्कुल ओके दिखने को मिल जाती है। भाई बता रहे हैं ओरिजिनल सीटें हैं भाई। तो अभी आपको गाड़ी की पीछे से भी कंडीशन दिखा देता हूँ और उसके बाद गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूँ मैं। अभी मैं आपको गाड़ी का डोर दिखा देता हूँ पीछे के, आप गाड़ी के ये डोर देख सकते हैं, पिलर वगैरह दिखा दे तो मैं आपको, सीट्स वगैरह भी देख सकते हैं आप लोग। सीट्स वगैरह भी हमें गाड़ी की ओके दिखने को मिल जाती हैं, आगे की सीट्स भी मैंने आपको दिखा दी हैं। अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूं, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट करवा देता हूं। अभी हम बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूँ मैं, पे वगैरह देख सकते हैं आप लोग।
तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। भाई जान भाई जिन गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बता दीजिएगा, कौन सा मॉडल है ये? 2009 के 9 महीने की गाड़ी है। ठीक है, 100% ओके, सिक्योरले सेंटर लॉकिंग है, अलायरिंग है, सही है, बैटरी न्यू बैटरी है, सही है, डॉक्यूमेंट सिपल सी टैक्स से क्लियर है, एसी वर्किंग में, ठीक है, इंजन अपना है गाड़ी का या चेंज कर लिया? ठीक है, सस्पेंशन वगैरह में कोई काम खुदा ना खास कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं मेरे पास? सही हो, ठीक है। डिमांड क्या कर रहे हैं गाड़ी की? 9 लाख कमी पेशी अगर कोई बंदा आता है हमारे तो कर लेंगे। अपना नंबर शेयर करिएगा, 03152799936799367। आपका नाम? नासिर। हाँ नासिर भाई, लोकेशन कहाँ की है, गाड़ी कहाँ मिल सकती है? भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दिए और अगर आपको गाड़ी पसंद आए तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।